बन रही है अभी जबरदस्त वाली चटनी। इसका स्वाद ना बहुत ही जबरदस्त वाला आता है। हाय गाइस, आज हमारे मायके में है नामकरण। आज मेरा भतीजा हुआ है, भतीजे का नामकरण है आज, भाई का बेटा। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पंडित जी यहाँ पे बना रहे हैं दोने। ये एक्चुअली में घास है, इसको गाजू बोलते हैं। तो इसके जो मतलब तने में जो मोटी मोटी जो थोड़ा टाइट घास रहती है और पतली रहती है सीड टाइप की, उसको तोड़ के ये केवल के पत्तों को ज्वाइंट करके ये पत्ते रख दिए, जैसे दो, एक उल्टा एक सुल्टा। अच्छा, ये उल्टा सुल्टा रख दिया जाता है, उसके बाद दोने बनाए जाते हैं। यहाँ पर अभी सब्जी वगैरह काटी जा रही है। क्या क्या सब्जी बनेगी आज ये बताओ। फिलहाल तो लौकी और आलू और साथ शिमला मिर्च मिक्स वेज बनेगी। मिक्स वेज ये आ गया चिकन। सही चल रही है कटिंग, मस्त चल रही है। तो अभी खाना बनाने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं बर्तन। तो अभी ये डेग की लिपाई हो रही है। अभी राहुल कर रहा है अभी डेग की लिपाई है। तो आ गई इसके ऊपर से राख। राख से क्या होता है इसमें? राख डालने से, राख डालने से वही होगा कि जो पतला सड़ा था वो मोटा हो गया। अच्छा, ज्यादा काला नहीं होगा। हाँ, ये काला और कम हो जाएगा। तो बन गई है गर्मा गर्म चाय, राहुल बना रहे हमारे। तो यहाँ पे अभी कट रहे सलाद। राहुल सही चल रहा है काम? अरे बहुत तगड़ा का चल रहा है काम, पूछो मत। ये ना अभी इसके लिए, ये किसके लिए? सब्जी में डालने के लिए कट रहा है, सब्जी के लिए। पंडित जी हो गए तैयार, नाम तैयार हो गए, अभी चाय वाय चल रही है अभी। तो अभी यहाँ पे बन रही है अमचूर की चटनी, इसमें आगे मसाले। तो ये बन रही है अभी जबरदस्त वाली चटनी। इसका स्वाद ना बहुत ही जबरदस्त वाला आता है। बन रही मिक्सी अलग किलो साझा प्याज मसाले। ये बोले तो हमारे यहाँ के पहाड़ी ककड़ी है। इसको ऐसा है, थोड़ा बहुत स्वाद के लिए अगर तीतापन होता है तो थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा जो ये है हल्का सा काटो, उसमें थोड़ा चक्कू मार के फिर ऐसे करो। ये देखो झाग निकलने लगेगा। कैसा लग रहा है भाई नामकरण में? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। हमको तो बहुत अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे। ये बोलिए तो पहाड़ी दही है शुद्ध बिल्कुल। ये हम डाल दिए इसमें। वाह क्या बात है, इसे बोलते हैं पहाड़ी राई। हालांकि मिर्ची भी हमने डाल चुके हैं इसमें, ये पहाड़ी राई है। इसको भी हम फ्लेवर ही चेंज हो जाएगा। हाँ, इसको हम हिसाब से लेंगे। ये है भुना हुआ जीरा, इसमें डाला जाएगा राई के लिए। तो भी रायता मिक्स किया जा रहा अच्छे तरीके से। दिल से बना रहे हैं भाई हमारे दीपक भाई, हम दिल से बनाते हैं। तो यहाँ पर नामकरण की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आ गई है नामकरण के लिए डलिया। देखिए भात के लिए यहाँ पे चावल धोया जा रहा है। चावल भात के लिए गर्म पानी में। ये बन रही है दाल। सारा खाना बन चुका है, सब्जी वगैरह बन चुकी है, चावल भी बन गया है। तो फाइनली यहाँ पे तली जा रही है पूरियाँ बिल्कुल गर्मा गर्म।
इस तरफ बन रही है पूड़ियाँ। पूड़ियाँ तो ऐसी बन रही है, ये फाइव स्टार होटल फेल है। होटल ताजू ला रहे थे, हम कैटरिंग का काम करते हैं। फिर ये गए क्यों नहीं थे? अशोक इन्हें पसंद नहीं, अशोक का अशोक लग रहा था इधर, अशोक का काम कर रहे थे तब मोड़ना था इन्होंने। अभी ये बच्चे का झूला आया, ये नानी लाई है, इसे तैयार किया जा रहा है, एडजस्ट कर रहे हैं इसे। ये देखिए बहुत ही कंफर्टेबल झूला है। सूर्य भगवान, अच्छा आप ये नाम का भैरव नाम का नहीं भाई ने ये। बढ़िया बन रही है, हाँ अच्छी बन रही है, आटा अच्छा होता है ना, बढ़िया हो रहा है, पहाड़ खाने से होने क्यों सही हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लाजवाब हो रहा खाना जवाब ही नहीं है खाने का, बढ़िया बहुत स्वादिष्ट हो रहा हो। सुबह से काम करने में है, अभी तक खाना भी नहीं खा रखा है हम लोगों ने। सबसे मतलब लास्ट मेंबर यही है खाने के लिए, लाजवाब, आनंद आ रहा है। तो यहाँ पे खाना पीना हो गया सभी का, और अभी बर्तन साफ किए जा रहे हैं। देखिए राख भी है, कोयले भी हैं, कोयले भी हैं। अभी हमारा खाना पीना निपट चुका है, अब यहाँ पे भाभी चाची और मामी लोग सब मिलके काम कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं। क्रीम पाउडर घिसने की लैन, क्रीम पाउडर घिसने की लैन, मेरी निर्मला समझ की लैन, मेरी निर्मला समझ की लैन, सब नस गई उनकी लैन, सब नस गई उनकी लैन, मेरी निर्मला तू हित निकले, मेरी निर्मला तू हित निकले। ये है बर्तन साफ करने वालों के लिए गीत, ताकि इनके हाथ तेज चले, ताकि इनके हाथ तेज चले। Yeah.
आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हिमालयन ग्लाइडर। फिर मिलता है आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।